नमस्कार दोस्तों, डेली प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों इंडिया का टॉप टू एनालिसिस। दोस्तों फर्स्ट है प्रकाश दीवान साहब और सेकंड है दोस्तों आपका प्रदीप शाह, दोनों एक्सपर्ट का फर्स्ट पसंदी टॉप फाइव स्टॉक के बारे में बात करूंगा, जहां पे सैड ने दोनों ने मिलके इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह दे चुके हैं दोस्तों, और लंबी अवधि के लिए दोस्तों सलाह दे चुके हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो छह फाइव स्टॉक रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो चमकने वाला दोस्तों। क्यों चमकने वाला है? स्टॉक का नाम सुनने का दोस्तों और टारगेट देखने का दोस्तों आपका टोटल बात क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों दोनों ने एक्सपर्ट है दोस्तों। सीएनबीसी आवाज पर फ्राइडे का दिन मार्केट फ्राइडे का दिन दोस्तों ये सभी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया और लंबी अवधि के लिए बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दिया। तो चलिए दोस्तों देखिए करके देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है दोस्तों। दोस्तों आपका इस लिस्ट का फर्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है दोस्तों प्रकाश दीवान साहब। सर जी ने टीसीएस के अंदर बाय करने के लिए सलाह दे चुका है। टीसीएस का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और आईटी सेक्टर के ऊपर अभी टोटल वर्ल्ड डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, तो इंडिया के लिए आईटी सेक्टर एक चमकने वाला सेक्टर होने वाला है। इसलिए प्रकाश दीवान साहब ने टीसीएस का टारगेट दे चुका है 3635-36 का, और एक ही स्टॉक के अंदर आपका प्रदीप शाह ने टारगेट थोड़ा सा कम दिया, 3450 का है दिया और इसी ने दिया 3636 का। सेकंड स्टॉक के बारे में हम लोग अगर बात करें तो देख लीजिए ओरेकल फाइनेंस के अंदर प्रकाश दीवान सर जी का पसंदी स्टॉक है, जहां पे 4444 का टारगेट प्राइस दे चुका है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। उसका प्रदीप शाह का सेकेंड पिक है इंफोसिस के अंदर बाइक अगर चलने के लिए सलाह दे चुका है। तो इसका अंदर शॉर्ट टर्म का आपको 1870 का टिका भाई देखने को मिलेगा, और इंफोसिस दोस्तों आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पैसे लगा के रख सकते हैं। इंफोसिस और टीसीएस के अंदर बहुत ही अच्छा रैली चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रकाश दीवान साहब जी का बहुत ही बेहतरीन पसंद स्टॉक है एनआईआईटी के अंदर सर जी ने बाइंग रिकमेंडेशन कर चुका है, और टारगेट प्राइस है 333 का, 333 का टिकट टिका भाई दे चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पोर्टफोलियो में एनआईआईटी का स्टॉक है तो मेरे ख्याल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रकाश दीवान जी इंडिया का जाने माने एनालिसिस है। उसका अगर हम लोग बात करें प्रदीप शाह सर जी का पसंद स्टॉक है रामको सिस्टम के अंदर आप बाई करके चल सकते हैं, जहां पे आपको टिका भाई देखने को मिलेगा 800 का। रामको सिस्टम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिला, कुल मिलाकर कंपनी का जो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा देखने को मिला, इसलिए प्रदीप शाह जी ने यहां पे बाइक रिकमेंड कर चुके दोस्तों। तो ये था टॉप टू एनालिसिस का टॉप फाइव स्टॉक। फिर एक बार स्टॉक को रिमाइंड करते हूँ, रामको सिस्टम, उसका दोस्तों एनआईआईटी, उसका दोस्तों बात करता है इंफोसिस, उसका दोस्तों स्टॉक नंबर 4 है दोस्तों ओरेकल फाइनेंस, और स्टॉक नंबर 5 है दोस्तों टीसीएस। जो टीसीएस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जहां पे दोनों ने बाइंग रिकमेंडेशन कर दोस्तों। ये था सीएनबीसी आवाज में होने वाला बेहतरीन तूफान वाला स्टॉक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इस चैनल पर आपको डेली ऐसा बेहतरीन पिक देखने को मिलेगा।